हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सुबह सुबह लग गई हूँ मैं साफ़ सफाई में, तो थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी करूँ काम ख़त्म। और फिर मैंने तो कहा कि बालकनी बहुत गंदी हो रखी थी, तो फिर मैंने बालकनी पहले साफ़ की, बालकनी में डाला पानी। तो इसलिए आज मैंने अच्छे से पानी वगैरह डाल के और वाइपर से मैंने अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि डेली अगर साफ़ होता रहता है तो सही रहता है, बट मेरा एक दो दिन से थोड़ा सा बिज़ी हो रहा था शेड्यूल, तो मैं सुबह सुबह सिर्फ झाड़ू लगा रही थी, मैं पानी वगैरह डाल के साफ़ नहीं कर रही थी। तो आज मैंने इसलिए पहले यही काम किया, और डेली इसलिए रिक्वायरमेंट भी रहती है क्योंकि धूल काफ़ी आती है, तो धूल मिट्टी से एक दिन भी ना करो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से नहीं किया है। तो इसलिए आज मैंने सुबह सुबह पहले यही काम किया, उसके बाद मैं अपना अंदर की साफ़ सफ़ाई करूँगी। तो पहले मैंने बाहर की साफ़ सफ़ाई की, ये देखिए होगी मेरी बालकनी क्लीन। क्लीन क्लीन हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और लाविया को लगने लगी थी थोड़ी भूख, तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो उपमा बना देती हूँ, तो वो भी खा लेगी और हम लोग भी खा लेंगे ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी सूजी भूनी थी उसके लिए, और ये मैंने ली हैं 2-3 हरी मिर्ची। तो सिर्फ मैं हरी मिर्ची डालूंगी क्योंकि ताकि ज़्यादा तीखा भी ना लगे, और उसके लिए भी मैं अच्छे से निकाल दूंगी, क्योंकि अगर लाल मिर्च डालेंगे तो वो क्या होगा कि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा और लाविया खा नहीं पाएगी। और हरी मिर्ची का ये है कि आप साइड से उसको निकाल दो तो उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं करता है। तो यहाँ पैन में मैंने डाला है पहले जीरा थोड़ा सा, और उसके बाद में हरी मिर्ची और करी पत्ता मैंने डाला है यहाँ पर। तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे पहले इसको, और उसके बाद मैं इसमें जो हमने सूजी अभी भूनी है वो मैं डाल दूँगी यहाँ पे। तो सूजी थोड़ा सा अच्छे से भूननी पड़ती है इसके लिए, वरना वो उतना टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने सूजी डाली, उसके बाद थोड़ा पानी डाला और उसको मैंने थोड़ा थोड़ा चलाना स्टार्ट कर दिया, और डाल दी उसमें मूँगफली और ये रेडी हो गया। और उसके बाद मैंने बनाई दाल लंच के लिए, तो यहाँ मैंने दाल साइड साथ रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि दाल जल्दी ही बन जाती है। और उसके बाद मैंने इसमें लगाया तड़का जीरे का, प्याज का और हरी मिर्ची का, और धनिया डाल दिया। और यहाँ पे हमारा हो गया है लंच बॉक्स रेडी। लंच बॉक्स वगैरह रेडी हो गया, तो अब मेरा काम भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं। तो हो गई थी मैं जल्दी फ्री आज, तो मैंने सोचा कि चलो एक होममेड क्रीम बनाई जाए। तो मैंने बनाई है, आलू लिया है उसके लिए, एक टमाटर लिया और एक खीरा लिया। ये तीनों ही चीज़ हमारे फेस के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रेमेडी है, तो आप इनको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप इनको इसी तरह से स्लाइस काट के भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनका सीरम बना के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बनाई है क्रीम, तो पहले मैंने इनको सबको कट किया है ये तीनों चीज़ों को, और उसके बाद मैं इन्हें करूँगी ग्राइंड। तो बेसिकली होममेड क्रीम जो होती हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं अगर हम इन्हें रेगुलरली यूज़ करें तो। तो ये यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है ग्राइंड, और अब मैं इसको छान लूँगी। तो यहाँ मैंने सारा पहले एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ इसको, सो दैट कि फिर हमको इसको छानने में इतना प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको छन्नी से छानूँगी, आप चाहें तो कपड़े से भी छान सकते हैं, बट मैं छान रही हूँ छन्नी से। तो अभी हमने जो भी ये ग्राइंड किया है इसको अब हम इसमें डालेंगे। ये जो क्रीम है बेसिकली बहुत टाइम के लिए आप स्टोरेज करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि इसमें स्मेल भी हो जाएगी। और ये आप मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते के लिए आप बनाइए, और दिन में 2 बार यूज़ करो इसको। दिन में आप मॉर्निंग इवनिंग आप यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप इसे नहीं बना सकते, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो इस तरीके के हैं जिन्हें आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट 4 वीक आप बना सकते हो, बट उससे ज़्यादा आप इसको मत यूज़ करो। मैं सिर्फ एक हफ़्ते के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो आप मॉर्निंग इवनिंग या फिर अगर आप फेस पैक भी बना रहे हो ना कोई, तो आप अपना फेस पैक में पानी ना डालने के बजाय आप इसको डाल के भी अपना फेस पैक बना सकते हो। सो दैट क्या होता है कि ये आपका यूज़ भी हो जाएगा और आप अप्लाई भी कर लोगे इसको। ठीक है, तो मैंने इसको छान लिया है। छानने के बाद मैंने इसमें डाला है एलोवेरा जेल, उसके बाद मैंने इसमें डाला है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल तो आपको पता ही है सभी लोगों को कि फेस के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है ये। ठीक है, तो जो सीरम है जो अभी हमने छान लिया है उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा एलोवेरा जेल, और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे सो दैट ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमें इसे बहुत पानी जैसा नहीं रखना है, मतलब बहुत लिक्विड फॉर्म में नहीं रखना है, बिकॉज हम लोग सीरम नहीं बना रहे हैं, वी आर मेकिंग द क्रीम। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसमें
ऐड कर दिया था एलोवेरा जेल और विटामिन का कैप्सूल, और ये हमारा हो गया रेडी। अब मैं इसको स्टोर कर दूंगी ये छोटे से जार में। सो दिस क्रीम इज बेसिकली फॉर योर डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन और डार्क लाइक आपके आई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ें बट वही होता है कि रेगुलरली यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। अब जो थोड़ा सा और हमारा ये सीरम बच गया था तो उसमें मैंने एलोवेरा जेल ऐड किया, विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया और मैंने इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड किया। इसका कलर आप देख सकते हैं, तो इसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर दिया। तो कॉफ़ी पाउडर हमारा बेसिकली स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और अगेन डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये क्रीम मैंने अलग बनाई है, ठीक है। तो इसे मैं मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकती हूँ या फिर अगर मैं कोई पैक लगाऊंगी, फेस पैक बनाऊंगी तो मैं उसमें भी इसको डाल सकती हूँ। तो ये हमारी दोनों क्रीम हो गई हैं रेडी। तो मैंने ये बेसिकली 1 वीक के लिए बनाई हैं, तो आप भी उसी अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। और अब हमारा जो बचा हुआ था, जो ये हमने छानने के बाद जो बच गया था, उसको मैं आइस क्यूब में कन्वर्ट कर दूंगी। तो मैंने इसको इसमें लगा के अभी मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी और उसके बाद हमारे आइस क्यूब भी बन जाएंगे, तो हम इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।